अच्छी बारिश से हमेशा सुखाड़ का दंश झेलने वाले गढ़वा के किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। धान की रोपनी होने लगी है, खेतों में महिलाएं कार्यप्रिय गीत गाकर धान की रोपनी कर रही है। कृषि विभाग को उम्मीद है कि इस बार धान का उत्पादन बेहतर होगा। देखिए ये रिपोर्ट। घरों के बदले खेतों में कर्णप्रिय गीतों की आवाज से धान की रोपनी में खेत सुहाने लगने लगे हैं। शीतल पूर्वा के बीच महिला रोपनहार मस्ती में झूमर, सोहर, लोरी, निर्गुण, सोठी गीत गा गाकर धान की रोपनी में लगी हैं। यह खुशी है खेतों की, खुशी है रोपनी कर रही महिलाओं की, खुशी है खेत मालिकों की। इंद्रदेव मेहरबान हुए तो किसान भी खुश हैं। हमेशा सुखाड़ की मार झेलने वाले झारखंड के गढ़वा के खेत बारिश के पानी से लबालब हैं। धान रोपने के लिए सबसे अच्छा कृषि आधारित जिला होने के बाद भी यहां के किसान सुखाड़ के दंश से परेशान रहते हैं, लेकिन इस वर्ष की बारिश से किसानों को अच्छी पैदावार की उम्मीद है। बारिश अच्छी हुई है, धान रोपा रहा था, पूरा धान रोपा गया। बारिश कैसे लगे? बारिश हो रही है, अच्छा बारिश, किसान लोग खुश हैं। इस बारिश साल से रोपाई नहीं हुआ था, इस वर्ष बारिश अच्छा हुआ है, बिछड़ा तैयार है, धान रोपा रहा है, रहर बोआ रहा है, इस बार अच्छा खेती हो रहा है। सुखाड़ और ऊपर से नहर टूट जाने से किसान परेशान थे, अब की अच्छी बारिश से उनके चेहरे खिल उठे हैं। उम्मीद से अधिक धान की रोपनी हो गई है। टूटने से सैकड़ों गांव में बाधित, बहुत गांव है बाधित है। हाँ, बाधित है। और वर्षा हुआ था? वर्षा तो कम बेसी हो कर रहा था, धान टाइम में रोपाई रहा था। हल्का खुशहाल है? हाँ, हल्का हल्का हाल हुआ। बाकी सी नाला से और बीर बांध से हम लोग का नहर में जोड़ा जाता, सिंचाई के लिए बहुत अच्छा होता, सुविधा होता, इसीलिए हम लोग को बहुत परेशानी होता है। नहर जो है टूट गया है, बहुत जीर्णोद्धार बन जाता। हम लोग कई बार कहते कहते परेशान हो गए, पंचायत से, डीसी से, प्रखंड से, कोई सुनवाई सुनने के लिए तैयार नहीं। भवनाथपुर के क्षेत्रीय विधायक भानु प्रताप शाही भी अपने खेतों में रोपनी में जुटे हैं। रोपनी के समय महिलाएं उनके सामने हंसी ठिठोली कर रही हैं, गीत गा रही हैं और नृत्य कर रही हैं। जाता है कि गीत गाकर रोपनी करने से सबका मंगल होता है। ये भी माना जाता है कि दिन भर काम करने से थकान दूर करने और काम में मन लगाने के लिए महिलाएं गीत गा गाकर रोपनी करती हैं। कृषि वैज्ञानिक ने लगातार अच्छी बारिश की संभावना जताई है। उन्होंने कहा है कि अभी दलहन, तिलहन, मक्का, सब्जी की बुवाई के लिए अच्छा समय है। जितना हो सके टाण वाला फसल, दलहन, तिलहन, मक्का, सब्जी का बुआई कर लें, क्योंकि फिर दो दिन के बाद से बारिश की संभावना है और तीसरे चौथे दिन तो अच्छी बारिश की संभावना है, तो उसके बाद फिर रोपनी के लिए तैयार हो रहेंगे आप। तो टाण वाली फसल का बुआई जल्द से जल्द कर लें और उसके बाद नर्सरी जिनका भी जैसे जैसे तैयार होता है रोपाई शुरू कर दें धान की, और इस बार उत्पादन अच्छा होगा, बारिश अच्छी होने की पूरी संभावना है। कृषि विभाग ने इस बार 55,000 हेक्टेयर धान रोपने का लक्ष्य तय किया है। अब तक लगभग 50% टारगेट पूरा हो गया है। सभी प्रखंडों में धान रोपनी तेजी से चल रही है। ये संभावना है, वो हो भी रहा है। दलहन में 80% हमारा लगभग अरहर का आच्छादन हो चुका है, और मूंगफली की बात करें तो वो भी 80% के अप्रोक्स में यहाँ पे लोगों ने लगा दिया है। तो उम्मीद है कि इस बार जो है कृषि के क्षेत्र में किसानों को जो पिछले 2 साल से सुखाड़ झेलना पड़ रहा था, वो इस साल ऐसी नौबत नहीं आएगी। किसान का प्रोडक्शन अच्छा होगा और किसानों को बिल्कुल 2 साल की सुखाड़ से राहत मिलेगी। मौसम सुहाना है, बारिश हो रही है, किसानों के चेहरे भी खिले हुए हैं, तो फिर खुशी के गीत क्यों न हों।
धर्मेंद्र, कशिश न्यूज़, गढ़वा।